वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम का एंट्रेंस। तो गाइस आज मैं आपके साथ मीशो होम डेकोर हॉल शेयर करने वाली हूँ और मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ मीशो होम डेकोर हॉल शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने काफी दिनों से कुछ चीजें ऑर्डर कर रखी थी और वो मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसा हॉल टाइप बन जाए तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक एक काफी सारी चीजें मैं ले रही थी तो अभी फाइनली वो चीजें कलेक्ट हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ सारी चीजें जो मैंने अपने घर को सजाने के लिए ली है, ताकि आपको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। मतलब आपको अगर परचेस करनी हो वो सारी चीजें तो आपको हेल्प मिल जाए। और गाइज अगर आपने मीशो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो। और आप अगर मेरे डाउनलोड लिंक से मीशो डाउनलोड करते हो तो आपको 30% ऑफ या 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी ज्यादा होगा वो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे आपके मिल जाएगा। तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जल्दी से मीशो डाउनलोड कर लीजिए और जो भी परचेस करना है वो परचेस कर लीजिए, क्योंकि मीशो पे बहुत ही रिजनेबल रेट पे सारी चीजें मिलती है। और जो भी मैंने होम डेकोर के लिए लिया है ना वो आपके साथ शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये गाइज, बहुत ही क्यूट सा प्रोडक्ट है और इस तरह से ये प्रोडक्ट है और इसमें आप कुछ भी मतलब जैसे कि पिक में दिखाया है कि इसमें बादाम वगैरह रखे हैं तो आप इस तरह से इसमें सर्व भी कर सकते हो कुछ भी। और आप इसमें सौंफ सुपारी या जो भी आपको रखना है, जैसे फूल सजाने हैं वो रख सकते हो आप, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप इसे मतलब आपके सेंटर टेबल पे सजा सकते हो। बहुत ही सुंदर है, मैंने अपने सेंटर टेबल के लिए लिया है। गोल्डन पॉलिश है इस पे और ये आई थिंक ये पीतल का है या नहीं है ये नहीं पता मुझे, मतलब ब्रास का, शायद ब्रास का हो सकता है, नहीं तो फिर ये मेटल का होगा। इस पे गोल्डन जो पॉलिश है वो किया होगा, बट इतना सुंदर है गाइज और ज्यादा महंगा नहीं है, अच्छा खासा हेवी है, इसी वजह से आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। बहुत ही प्यारा है, आप देखो पास से, बहुत प्यारा लगा मुझे ये पीस। उसके बाद गाइज मैंने इसी तरह से जैसे गोल्डन पॉलिश का मैंने बताया आपको, उसी तरह से मैंने ये वाला लिया है, बट ये टिश्यू पेपर होल्डर है। मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। आप टिश्यू का जो बॉक्स होता है उसमें से पेपर निकाल के इसमें रख सकते हो और बहुत सुंदर लगेगा। आपके डाइनिंग टेबल पे भी ये बहुत सुंदर लगेगा, आप जब खाना खाने बैठ जाते हो तो उस टाइम इसमें टिश्यूज रख के सामने रख दो, बीच में रख दो, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा ये। और उसी तरह से ये इस पे गोल्डन पॉलिश किया हुआ है, ये काफी अच्छा खासा हेवी है गाइज, मतलब एकदम लाइट वेट नहीं है, अच्छा खासा हेवी है, स्टर्डी है, मतलब आप हाथ में लेते ही आपको पता चलेगा कि नहीं कोई क्वालिटी का पीस आपने हाथ में लिया है, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। और पास से आप देखो बहुत सुंदर लगता है। ये पीस लिया है उसी टाइप से जैसे मैंने वो वाले पीस लिए ना, जैसे मुझे ये नहीं पता कि ब्रास के है या नहीं, बट उसी तरह से मैंने ये वाला लिया है। ओपन करके ही दिखा देती हूँ आपको पूरा। ये मैंने कृष्ण भगवान को रखने के लिए या गणपति भगवान को रखने के लिए ऐसे मतलब मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था कि किस लिए ले रही हूँ, बट ये मैंने उल्टा लगाया शायद। ये कुछ इस तरह से होता है, ऊपर से ये छत टाइप का है, इसमें ये इस तरह से, हाँ ये इस तरह से है, सॉरी थोड़ा सा ना ये गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, हाँ इस तरह से है ये। और बहुत ही क्यूट सा है, नीचे गद्दी दी हुई है रेड कलर की वेलवेट की, बाद ये पूरा घूमट है ऊपर से और इसकी डिजाइन देखो, हाथी इधर उधर से हाथी के शेप है और यहाँ से भी हाथी का शेप है, बहुत ही क्यूट सा दिखता है। आपके मंदिर में आप अगर इसे रखोगे ना बहुत क्यूट सा लगेगा, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद मैंने ये लिया है, ये आपकी सिंदूरदानी है, जैसे कि इसमें हल्दी कुमकुम रखो बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा ये आपके मंदिर में, यहाँ पर हल्दी यहाँ पर कुमकुम और उसके बाद इसे ऐसे बंद कर देते हो ना, बहुत ही क्यूट सा लगता है। और आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था देखते ही ये, इसी वजह से मैंने जल्दी से इसे परचेस कर लिया और आपको भी पसंद आने वाला है। जैसे ही आप इसे देखोगे ना घर पे आने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ये ब्रास का है लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पतरा है इसका, ये है ब्रास का। उसके बाद मैंने एक पूजा थाली ली है सेम उसी टाइप में जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है सब कुछ, मैंने इस बार ज्यादातर मंदिर के लिए मंगाया है अपने। ये देखिए ये पूजा थाली, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी पूजा थाली है, जहाँ पर आगे छोटी सी जगह है ना मंदिर की, वहां पर मैं रख सकती हूँ इसमें हल्दी कुमकुम या अक्षिद और यहाँ पर दिया लगा सकती हूँ। बहुत बहुत सुंदर लगी मुझे ये थाली भी। यहाँ पर अगरबत्ती लगाने के लिए भी है, आप देखो ये यहाँ पर छेद है अगरबत्ती लगाने के लिए, बहुत प्यारी लगी गाइज मुझे ये भी। और यहाँ पर स्वस्तिक निकाला हुआ है, तो स्वस्तिक शुभ माना जाता है किसी भी चीज में, तो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना मुझे।
उसके बाद ये रंगोली ली है गाइस। मुझे रंगोली बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मुझे इतनी अच्छी रंगोली नहीं आती है, आपको भी पता होगा। अगर आपको भी मेरी तरह ज्यादा टाइम लगता है रंगोली बनाने में, और अगर आपको लगता है कि दिवाली के दिन रंगोली बनाने में ही ज्यादा टाइम ना जाए, तो आप इस तरह की रंगोली ले सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। पर्सनली पसंद आई, क्वालिटी अच्छी है इसकी। इसके नीचे फोम दिया हुआ है, उसके ऊपर ये कैंडल स्टैंड है और कैंडल भी दी हुई है जलाने के लिए। तो सारे इसमें आप देखो, एक है, दो है, और छोटे छोटे तीन चार, और उसके बाद पांच, बड़ी सी रंगोली बनेगी इससे, और छ, और ये एक मिनट मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है, सात, और उसके बाद ये आठ, मतलब ये देखो आठ पीस है ये, और उसके बाद ये बीच वाला जो पीस है ना, सेंटर पीस, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। ये देखिए बहुत सुंदर पीस है ये, और इसके पीछे फोम नहीं है, इसके पीछे कुछ इस तरह से है, और बीच में ये फ्लावर वाली ये है, कैंडल है, बहुत सुंदर है गाइस ये। डेफिनेटली आप इसे परचेस करना, क्योंकि इतना सुंदर लगने वाला है दिवाली पे, ये वाला पीस एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, ये इतना सुंदर पीस है और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा रंगोली वंगोली निकालने का। उसके बाद का जो प्रोडक्ट है गाइज ये है, इतना सुंदर प्रोडक्ट है आपको क्या ही बताऊँ। गैलरी को डेकोरेट करने के लिए आप इसे रख सकते हो, उसके बाद आप इसे अपने गार्डन में रख सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद आप घर के अंदर भी रख सकते हो इसे, बहुत बहुत सुंदर लगेगा। और अगर आप इसे लिविंग रूम में रखते हो प्लांट लगा के, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, मतलब लिविंग रूम में चार चांद लगा देगा ये प्लांटर स्टैंड। और इसके अंदर जो प्लांटर है वो भी उसके साथ ही मिले हैं, ये मेटल के प्लांटर्स है, और तीन प्लांटर्स इसके साथ रिसीव हुए हैं, और तीन प्लांटर्स का ये स्टैंड है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली गाइज आप इसे परचेस कर सकते हो, इसकी प्राइस आप देख रहे हो, इतनी इसकी प्राइस है। एक्चुअली इसको जब मैंने परचेस किया था ना, तो उस टाइम इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, बट कोई नहीं, अभी इसकी प्राइस थोड़ी डाउन हो गई, आपका फ़ायदा ही है। अब प्राइस अप होने से पहले आप इसे परचेस कर लीजिए, बहुत सुंदर लगता है, और आपको तो अच्छा लग ही रहा होगा जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। और वाइट कलर में है, रेड कलर में इसके प्लांटर्स है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर है गाइज ये वाला प्रोडक्ट जो फोर फ्रेम का सेट है, इसमें लिखा है फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इज पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ये है, उसके बाद इधर लिखा है लर्न यस्टरडे लिव फॉर टूडे एंड होप फॉर टुमारो, तो ये लिखा है, और ये मतलब थॉट्स लिखे हैं जो आप किचन में लगा सकते हो, अपने बेडरूम में लगा सकते हो। मैंने तो ये बच्चों के रूम में लगाया है, मतलब फोर फ्रेम्स का सेट है ये, और आप कहीं पर भी लगा सकते हो इसे। इस थॉट्स को पढ़ के आप मोटिवेट होगे। यहाँ पर लिखा है वर्क हार्ड ड्रीम बिग, और उसके बाद नीचे यहाँ पर ये है द फ्यूचर इज ब्राइट। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के रूम वगैरह में लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाया है, और ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेम सेट है जिसे आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को भी, और बहुत ही अच्छा मोटिवेट रखेगा आपको अगर आप इसे पढ़ते रहोगे। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे अफोर्ड भी कर सकते हो किसी को गिफ्ट करने के लिए, अगर आपको लेना है तो गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हो इसे। अगर आपको भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। और जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें अपना नंबर डाल के साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये ऐप ओपन होगा, और इसमें आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके किचन के लिए, सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ही कम दाम में। जैसे कि मुझे ये कुर्ता पसंद आ गया था और मुझे इसे सेल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है शेयर नाउ का, उस पर क्लिक करना होगा, उसको मुझे अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा, इसका डिस्क्रिप्शन और इसकी इमेज मुझे शेयर करनी होगी। अगर किसी को ये कुर्ता पसंद आता है, तो आपको उससे उसका साइज जानना है, और उसका साइज ऐड करने के बाद उसे कंटिन्यू करके ऐड टू कार्ट कर देना है। फिर आपको राइट हैंड साइड में जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ट्रॉली का, उस पर क्लिक करके आपको कार्ट में चले जाना है, और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम, फ़ोनपे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने कुर्ता सिलेक्ट किया था वो कुर्ता आ गया है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो ब्लैंक जगह दिख रही है कैश टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो उसमें अपना मार्जिन डाल के आपके कैश डाल देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 599 लिख दिया है, तो इसमें मेरा मार्जिन जो है वो नीचे आ जाएगा, 168 जो मेरा मार्जिन है वो नीचे आ गया है।
ऐसे ही 431 का कुर्ता आप 599 में बेच सकते हो। आप जितना भी मार्जिन इसमें ऐड करना चाहो उतना मार्जिन आप इसमें ऐड कर सकते हो, और जितना अमाउंट आता है टोटल कॉस्ट जितनी आती है वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको एड्रेस मांगेगा, तो आप अपने कस्टमर का एड्रेस दे के उस एड्रेस पर ये मंगा सकते हो। अगर आपको ये खुद के लिए मंगाना है तो जो टोटल कॉस्ट है वही आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, और इसमें आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, तो ये आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। तो गाइस कैसे लगे सारे आइटम आपको जो मैंने होम डेकोर के लिए लिए है या आपने मंदिर के लिए लिए है, आप जरूर कमेंट करके बताना मुझे। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मीशो का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करते हो तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 30% ऑफ या 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, सारी चीजें आपको वहां पर ही मिल जाएगी, तो गाइस चेक जरूर कर लेना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।